नगर निगम वार्ड नंबर 24 मोहल्ला द्वारिकापुरी में महिलाओं ने की कार्य रुकवाने की कोशिश, आरोप कार्यरत लेबर ने पकड़ा हाथ, अभद्रता पर उतरे, बोली आधी गली है बन रही। फिलहाल नगर निगम के कुछ अधिकारी व मौके पर पहुंची पुलिस ने कराया शांत। सवाल, क्षेत्रीय महिलाएं आखिर क्यों कर रही हैं बार बार कार्य शुरू होने का विरोध। फिरोजाबाद नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 24 मोहल्ला द्वारिकापुरी में आज से क्षेत्रीय महिलाएं उस वक्त उग्र हो गईं जब अचानक कार्य शुरू हुआ, जिसे रोकने को मना किया तो आरोप है कि कार्यरत लेबर ने महिलाओं संग अभद्रता कर दी। मौके पर थाना पुलिस भी पहुंच गई। नगर निगम के कुछ कार्य से जुड़े अधिकारी भी पहुंचे। पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। क्षेत्रीय महिला राखी ने बताया गया कि नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 24 के मोहल्ला द्वारिकापुरी में पानी का निकास नहीं, मकानों 6 फुट का भत है, मकानों का पानी गली में घूम रहा है, बरसात का पानी गली में घूम रहा है। बताया जो लोग स्थानीय पार्षद के पास गए वो कोई सही रास्ता नहीं बता रहे। कार्य रोकने का कारण बताया कि किसी ने यहाँ तक आकर समस्याओं को नहीं देखा। सुबह जब यहाँ कार्यरत लेबर से कार्य करने को मना किया तो वे महिलाओं से बदतमीजी पर आ गई। निर्मला का कहना है कि कहा कि द्वारिकापुरी गली नंबर 3 है, मैडम से 4 दिन पहले कहा था काम मत लगवाओ, पहले मिट्टी डलवा दो, उन्होंने काम नहीं रुक पाया। जब आज लेबर रोकी तो उसने हाथ पकड़ा, किसी गोला ठेकेदार की लेबर बताई। सरोज का कहना था कि हमारे मकान तरफ मिट्टी पड़ रही, न कुछ हो रहा, आज जब लेबर से मना किया तो वे हम पर हाथ उठा रहा, ठेकेदार से कहा तो वे कह रहा था काम तो ऐसे ही चलेगा। फिलहाल सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों यहां बार बार कार्य का विरोध क्षेत्रीय महिलाएं कर रही हैं, जिसको लेकर नगर निगम का कोई अधिकारी भी इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा है। क्या नाम है आपका? सरोज। सरोज, किस तरह का मामला है? उस दिन भी परेशानी थी, आज किस तरह की परेशानी है, आज क्या हुआ था? अरे परेशानी तो यही सरह का, हमारी जाला कोई ना मट्टी पर रही ना कछु आ रहा, मैडम ने कहीं मट्टी डरवाएंगे और हमारी कोई सुनाई ना आ रही और आधी गली पक्की आ रही। मना कर रहा आज क्या हुआ था? आज आज मने करी, हमने लेवत काम मत करो, सब ऊपर को हमें और हाथ उठा रहे, हम पे जो करा तू हमें रोक नहीं, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम आज जोर के नहीं करे भैया काम मत करो, हमारी सुनो कोई सुनाई ना कर रहे। नहीं, आपने ठेकेदार से नहीं कहा कि आपकी ठेकेदार तो कही, ठेकेदार कह रहेगा नहीं काम तो चलेगा, ऐसे बताओ क्या करे, हम लोग आज जोर रहा तो हमारी सुन रहे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम निर्मला। निर्मला जी, किस तरह का मामला है, ये जगह कौन सी है और किस तरह का मामला है, क्या हुआ था? घर नंबर 24 है, द्वारिकापुरी है, गली नंबर 3। हमने मैडम से 4 दिन से किया का, इसमें काम मन चलाओ, पूरी मिट्टी पलने दो, उसमें मिट्टी नहीं डलवाई उनने और आधी गली पक्की कर रही, हमने लेबर रोकी तो लेबर ने बदतमीजी दे रही हमारे साथ, हमने पामरा पकड़ा, उनने मेरा हाथ पकड़ा, कहीं अगर हमका चिटिया चट्टा सा हम पे आबो कर रही है, मैंने हम चिटिया चोटा या डरे डोल रहे हैं तो हमें आपको रोक रहे हैं, वो हमारी कोई बात सुनने को तैयार लेबर किसकी है? लेबर है किसकी? लेबर है गोला ठेकेदार। अच्छा, वो है मौके पे थे क्या? अभी तो इनके छोटे ठेकेदार हैं, वे ठेकेदार में नहीं आए अभी। तो आपने उस लेबर से मना नहीं किया कि आप हमारे साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? हमने खूब किया उनसे बदतमीजी क्यों कर रहे हैं, वो भी हमें संग बदतमीजी कर रहा है, हमसे तू तड़ाक बोल रहा है, सबसे मानने को तैयार है ठेकेदार। काम जबरदस्ती चले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राखी है। राखी जी, कौन सा मोहल्ला है और वार्ड कौन सा है, आखिर वजह क्या है कि आप यहाँ पे काम हो रहा है और आप लोग महिलाएं इकट्ठी हैं, आखिर क्या मामला क्या है पूरा? सर, मोहल्ला द्वारिकापुरी वार्ड नंबर 24 गली नंबर 3 है। सर, यहाँ समस्या ये है कि गली आधी का काम चल रहा है और आगे लोग परेशान है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, 6 फुट का भत्ते, कहीं पानी का निकास नहीं है, मकानों का पानी गली में घूम रहा है, बरसात का पानी गली में घूम रहा है, निकलने में बहुत दिक्कत है। आज तक सब लोगों से घूमे आए ये गली के सारे लोग, कोई सुनता ही नहीं है, कोई यहाँ तक देखने तक नहीं आया। सर, स्थानीय पार्षद क्या कहते हैं? अब मैं तो खैर नहीं गई हूँ, जो लोग गए हैं ये लोग बता रहे थे गली वाले कि वो कोई सही रास्ता नहीं बता रहे हैं, ना सच्चाई बता रहे हैं, सच्चाई क्या है। वैसे तो वो एक बार जब आए थे यहाँ उन्होंने कहा था कि 2 दिन में नींव भर दो आप लोग और गली तीसरे दिन मिट्टी पड़ेगी। आज 1 महीना हो गया सर, यहाँ एक ढेला मिट्टी का नहीं आया। अभी आधा कार चल रहा है, आधा आप लोगों ने अभी यहाँ पे रोक रखा है, आखिर क्यों रोक रखा है, कारण क्या रहा? कारण ये है सर कि डीएम साहब के पास भी इन्होंने अपनी अपील लगाई, मेयर साहब के भी पास भी गए, सब जगह गए, नगर आयुक्त सर के पास गए, लेकिन किसी ने यहाँ तक आके समस्या को नहीं देखा है। अब ये लोग जाए तो जाएगा। कुछ महिलाओं ने भी कहा था कि काम बंद कराने के दौरान लेबर ने इनके साथ कुछ बदतमीजी दी थी। हाँ, क्या सुबह सर जैसे इन लोगों ने बोला था कि सर हमारा थोड़ा
समस्या को देखो आप लोग, हमारा थोड़ा कोशिश हो जाने दो, आप अभी काम को थोड़ा रोक दो और हम आज डीएम साहब के पास जाने वाले हैं। तो बस इतनी बात पे लेबर इनको मारने के लिए दौड़ी और इनसे बदतमीजी कर रही थी। क्या मानती हैं, ये सही है क्या, सही हुआ क्या? सही तो नहीं हुआ। इसका ज्ञापन आपने कहीं दिया है? शिकायत पत्र कहीं दिए हैं अधिकारियों?